शव को लेकर ग्रामीणों में छाया आक्रोश। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीण नहीं उठा रहे हैं शव। चिकित्सकों की कमी, लापरवाही के चलते प्रसूता की हुई मौत। जिला कलेक्टर के आश्वासन पर ही उठाया जाएगा शव। चिकित्सालय में पुलिस बल तैनात। रात्रि 12 बजे के बाद की है घटना। चिकित्सालय में हो रही अव्यवस्थाओं से मरीज प्रसूताओं को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। डॉक्टर नहीं होने से हुई प्रसूता की हुई मौत। नर्स एवं कंप्यूटरों के भरोसे संचालित किया जा रहा है मातृ शिशु। जिला चिकित्सालय कई परिजन लगा रहे हैं रुपए मांगने का आरोप। ये महिला की उसके जिम्मेदार है प्रशासन, जिला कलेक्टर है। यहाँ व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। हमारी मांग है कलेक्टर साहब आके यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारे, अन्यथा ये सभी ग्रामीण लोग अड़े हुए हैं कि लाश नहीं तोकेंगे। जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। जाके दरवाजा खोलने आदमी को अंदर जाने देता। मेरे 2-3 बार लेडीज भेजी अंदर, मतलब अभी नहीं होगी, रात को 5 बजे होगी। लक्ष्मी गाँव मांडवी घंटाली के पास, घंटाली के पास थाना घंटाली। वहाँ फिर दर्द करता करता फिर 10 बज गई। फिर हम आके फिर पूछा तो अभी नहीं होगा, 5 बजे एक बार बोल दिया, बार बार चेहरे। फिर दादा 12 बजे फिर आया, हमने फिर आके बोला किसी से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा तो अभी नहीं होगा। एक बार 5 बजे बोल दिया, फिर 5 बजे हाँ सर बहुत बिल्कुल खराब है। हर डिलीवरी के हर पेशेंट के साथ में ये जा रहे रिश्वत मांगे तब जाके फट दा के काम करते, वैसे काम करते नहीं। जब वो पेशेंट जाके उसके जेब में थोड़े बहुत रिश्वत देते तब जाके उनका काम फट कर देते, और वैसे कोई सुनता नहीं किसी की।